मैं डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक SCRT, बच्चों आप सभी के बीच में हूँ। और आपको याद है जब मैंने पिछला पाठ पढ़ाया था, तब आपसे कहा था कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है? उसी की बारी में, यानी उसी को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पहले या पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। आप ये देख रहे हैं चित्र यहाँ पर सामने, ठीक है? इस चित्र में जो पहला वाला है, आप बताएंगे कि वो कौन है, क्या है, या आप कैसे बोलेंगे क्या है करके? हाँ बताइए बताइए। हाँ बढ़िया, यानी आप कह रहे हैं कि एक औरत है। ठीक। औरत को हम क्या कह सकते हैं? स्त्री भी कहते हैं, ठीक है, महिला भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया उत्तर। ठीक उसके पास एक और फोटो दिया हुआ है। कौन बताएगा इसको? अब आप क्या कहेंगे उसको? जाहिर सी बात है, महिला है तो वो पुरुष है। सभी लोग आवाज दे रहे हैं भाई, तो ये पुरुष है, ठीक है? तो जैसे हम महिला कहते हैं किसको? स्त्री को। वैसे ही हम इनको पुरुष है तो पुरुष को हम नर भी कहते हैं, नारी है तो ये नर है, ठीक है? और ये स्त्री है तो वो पुरुष है, ठीक है? एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं। तो ये तो दो हो गए, आपने पहचान लिया। छोटे होते हैं तो क्या, लड़के और लड़का कहलाते हैं दोनों, ठीक है? और उसी को हम तीसरे रूप में क्या कहते हैं? वो स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। ऐसा भी होता है जब हम जानते हैं। लेकिन एक और फोटो वहां पर आपको दिख रहा होगा, आप क्या बताएंगे वो कौन है? स्त्री है, पुरुष है, क्या है, कौन बता सकता है? चलिए बताइए। सारे सोचने लगे ना कि हम क्या कहें। बिल्कुल सही बात है कि आपको सोचना पड़ रहा है बच्चों, हमको भी सोचना पड़ता है, ठीक है, कि हम क्या कहें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर आप सभी को कि आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं से संबंधित है, और इनको कहा जाता है सामान्य भाषा में किन्नर। किन्नर का क्या मतलब होता है? जो दिखते तो हैं पुरुष जैसे, मतलब चेहरा, मोहरा, कद, काठी से, लेकिन इनका आचार विचार जो होता है, व्यवहार जो होता है, परिधान जो होता है, कपड़े जो होते हैं, वो महिलाओं की तरह होते हैं, ठीक है? तो ये किन्नर तो हैं, लेकिन इनको और क्या कहते हैं? तृतीय लिंग कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्ड जेंडर। तो यहां पर कितने लिंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं? महिला आपने कहा स्त्रीलिंग, पुरुष आपने कहा तो हो गया पुल्लिंग, और तीसरा जो हो गया वो हो गया तृतीय लिंग। तो बच्चों, हम आज इस पाठ के माध्यम से, यानी कि एक जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम ही है तृतीय लिंग का बोध। और इस तृतीय लिंग के बोध में हम ये देखेंगे कि इन किन्नरों का अस्तित्व कब से था। कब से था जानना तो पड़ेगा ना, तो हम ये देख पाएंगे कि किन्नरों के अस्तित्व को, यानी किन्नर कब से दिखते हैं या कब से इनको हम जानते हैं, उस कहानी को समझने के लिए, यानी इस इनके अस्तित्व को पहचानने के लिए हमें प्राचीन युग में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग के माध्यम से इनकी कहानियों को हम देखेंगे या इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो शुरू करें, आपने अपनी पुस्तक खोल ली, वेरी गुड, चलिए पढ़ते हैं। इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफी सकारात्मक थे। इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय के पात्र काफी आदर्शवादी थे। क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो आप देख लीजिएगा महत्वपूर्ण शब्दों को। तथ्य मतलब होता है वास्तविक घटना, ठीक है? पौराणिक शब्द है पुराण संबंधी, ऐतिहासिक शब्द है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतिहास संबंधी, ठीक है? और इसमें इक प्रत्यय लगा है, जैसे इतिहास शब्द है तो इक लगा दोगे तो ऐतिहासिक, पुराण शब्द में इक लगा दो तो पौराणिक, ठीक है? सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब होता है जो सार्थक हो, मतलब जो अच्छा हो, ठीक है? और आदर्शवादी का मतलब क्या निकल रहा है? जिसमें मानव मूल्य भरे हुए होते हैं। मानव मतलब मनुष्य, तो मनुष्य में कुछ मूल्य होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, ठीक है? व्यवहार उसके अंदर होते हैं, उसे हम कहते हैं मूल्य। तो इस युग में, प्राचीन युग में तृतीय लिंग संबंधी जो जानकारी मिलती, भले बहुत ज्यादा तथ्य हमको नहीं मिलता, यानी प्रमाण हम चाहेंगे कि क्या वाकई थे, तो हम प्रमाण आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है? मैं क्या, कोई शायद नहीं दे पाएगा, लेकिन
फिर भी ये हमारे रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत इत्यादि है इसमें इनका उल्लेख मिलता है। और बच्चों यह भी मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि उस काल मतलब प्राचीन काल में जो तृतीय लिंग के लोग थे उनके प्रति समाज में उनकी धारणा जो है, उनके लिए जो धारणा है वो काफी अच्छा था, मतलब उन्हें बुरा नहीं मानते थे। क्यों यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर आपने कभी किसी को देखे हों, हो सकता है आपने देखा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे जान रहे होंगे, तो अब उनको लेकर के धारणा थोड़ी बदल गई है, लेकिन पुराने जमाने में उन्हें बहुत अच्छा माना जाता था। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा माना जाता था, आदर्शवादी पात्र उन लोग थे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बनता है प्राचीन काल में तृतीय लिंग के प्रति लोगों की धारणा कैसी थी, ये तो कोई भी बता सकता है, उनके प्रति उनकी धारणा जो है वो सकारात्मक थी। ठीक है, रामचरित मानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। किंवदंती है कि त्रेता युग में श्रीराम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्रीराम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया बच्चों। ठीक है, कहा जाता है कि राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए। अब किंवदंती है, मतलब ये बताया जा रहा है, ये ऐसा उल्लेख मिलता है कहीं पर रामचरितमानस में। रामचरितमानस के प्रमुख पात्र कौन थे, राधा रामचंद्र जी। ठीक है, तो जब रामचंद्र जी को वनवास मिला, बच्चों आपने शायद टीवी सीरियल में देखा हो, आप गांव में या शहर में नाटक वगैरह के माध्यम से देखे हो या आप पढ़ते होंगे, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि राजा रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था कैकेयी जी के माध्यम से। ठीक है, तो जब वो वनवास गए तो अयोध्या निवासी उनको जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए सारे लोग उनके साथ साथ नदी तक चले गए, सरयू नदी तक। अब रामचंद्र जी को तो वनवास अकेले जाना था ना, सबको तो लेके जा नहीं सकते थे, वरना मतलब क्या होता। तो राजा रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा करिए, आप लोग सब जाइए, मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ, मैं आने के बाद वापस इसी जगह 14 साल बाद आप लोगों को मिलूंगा, ये उन्होंने कहा। तो जितने वहां पर जो नर और नारी जो थे कहना चाहिए, वो सब तो सब चले गए। लेकिन बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 14 साल बाद राम जी वापस हुए, वनवास की अवधि उनकी समाप्त हो गई, वनवास उन्होंने काट लिया, उसके बाद जब वो वापस आए तो वो देखते हैं कि ये सारे जो है, मतलब बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है, कहा जाता है कि राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट गए, यानी किन्नर जो बच गए। किन्नर का मतलब ये क्या हो रहा है, वही तृतीय लिंग मैंने दिया है नीचे, किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता का व अनुशासन की सीमा रेखा के अंतर्गत रहते हैं या जीवन को जीते हैं। मतलब तृतीय लिंग आप कह लें, आप उन्हें अंग्रेजी में कहे तो थर्ड जेंडर कहेंगे, उन्हें किन्नर भी कहा जाता था जो प्राचीन काल में मिलता था। तो इसमें ये हो गया त्रेता युग में, मतलब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है, त्रेता युग। ठीक है, और त्रेता युग में मतलब त्रेता युग कौन सा काल है, मानव काल का द्वितीय युग कहा जाता है त्रेता को। ठीक है, आगे बढ़ी। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार करते बैठे हुए हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने के लिए आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए, हम किन्नर हैं अतः हम यहाँ रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कितना भावात्मक अंश है बच्चों, आप देखिए इसको, कि रामचंद्र जी ने कहा कि सारे नर नारी लौट जाए, तो मैंने पहले बताया ना जो नर है न नारी है, न मतलब महिला है न पुरुष है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। ठीक है, दोनों के बीच की जो जीवन यापन जो कर रहे हैं, शरीर भी उनका उनकी तरह से होता है कहना चाहिए, पहना ओढ़ाव भी उदम से होता है, चेहरे मोहरे भी कुछ अलग होते हैं, वे हैं किन्नर कुल मिलाकर के। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आपने नर और नारी कहा, तो ना तो हम नर हैं और ना हम नारी हैं, तो हम जाते कैसे, तो हम यहाँ पर आपके इंतजार में पलक बिछाए बैठे रहे। तो ये इतना उनके अंदर में आदर्श था, इसीलिए कहा गया है कि पहले के युग में वे बड़े आदर्शवादी माने जाते थे। ठीक है, जो कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा,
और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। इसी तरह रामचरितमानस पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने के संकेत मिलते हैं। जब रामचंद्र जी को यह पता चला कि ये 14 साल से इसी जगह बैठे हुए हैं, तो सोचिए उनको कैसा लगा होगा। ये है बेटा भक्ति, ठीक है ना, कि मतलब भक्ति में 14 साल उन्होंने रामचंद्र जी के लिए गुजार दिया। तो राजा रामचंद्र जी ने उनसे कहा था, रामचंद्र जी ने कहा था, राजा बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दिया कि जब कलयुग आपको मिले तो कलयुग में क्या हो जाएगा, आपका राज होगा, आपकी दुआएं लगेंगी। यानी आप किसी को अगर आशीर्वाद देंगे, किसी को दुआ देंगे, तो वो फलेगा फूलेगा लोगों को। और इसीलिए आज भी हमें कई जगह उन्हें दुआएं मांगते देखते हैं। किसी घर में बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो वो जाते हैं, शादी ब्याह के समय भी जाते हैं और दुआ देते हैं और सगुन वहां से लेकर के वापस आते हैं। और कई बार अगर वो नाराज हो गए तो बच्चों ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी दुआ अगर नहीं लगी तो शायद बददुआ लग जाएगी, ऐसा भी होता है। इसलिए कुछ लोग घबराते भी हैं, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वे दुआ देने के लिए ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये गाते हैं, बजाते हैं और लोगों का मनोरंजन अगर करते हैं, अगर कहूँ तो भी ठीक है, और जीवन यापन करते हैं तो भी हम उसे एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनता है, श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्या आशीर्वाद दिया था, कौन बताएगा मुझे। हाँ, गोलू बोल रहा है, बहुत सही। उन्होंने कहा था कि कलयुग में आपका राज होगा और आपकी दुआएं जो है लोगों को फलेंगी, बहुत सही। ठीक, द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाभारत यानी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, जो किन्नर था। उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया में बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं या दुनिया के बड़े से बड़े काम को वो कर सकते हैं। मैं के दो तरह से भी चल सकता है, ये संदर्भ थोड़ा बदलेगा। तो द्वापर युग में यानी आपने जब सुना हो तो राजा यानी महाराज द्रुपद हुआ करते थे, जो द्रौपदी के पिताजी थे। तो द्रौपदी का जो बड़ा भाई था वो उसका नाम था शिखंडी, ठीक है। यह शिखंडी जो थे वो किन्नर रूप में थे, यानी किन्नर ही थे वो, और इन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। और बहुत अच्छे ये थे, ये दुनिया में यानी उस जमाने में अपना जो किन्नर समुदाय है इसके लिए उन्होंने एक तरह से ऐसा कार्य कर दिया था जो कालजयी पात्र के रूप में सिद्ध हुआ था। तो कालजयी का मतलब क्या होता है, मैंने नीचे अर्थात का दे दिया है, जो काल को जीत चुका हो, यानी जो समय को जो जीत लेता है। काल को, काल का मतलब मृत्यु भी है, काल मतलब समय भी है ना। इन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो, ऐसा भी जो समय को जीत लिया हो, वह है कालजयी। तो जयी जीतने वाला, और विधिवत मतलब नियम पूर्वक, और सती के रूप में माना जाता था कहा गया है। तो सती के रूप में माने जाने का मतलब क्या होता है, जो सच के राह पर जो चलने वाले लोग होते हैं वो सती हैं, ठीक है। तो सती के अवतार में एक तरह से हम देवियों के लिए भी हम ले सकते हैं, तो उनके अवतार के रूप में शिखंडी को माना गया है। तो चाहे वो रामचरित मानस हो, हम राम जी को और उनके नरों को याद करते हैं सरयू नदी के किनारे की, और द्वापर की जब हम बात करते हैं तो शिखंडी का नाम यहाँ पर आपके सामने आता है, ठीक है। प्रश्न क्या हो सकता है कि शिखंडी किस युग का पात्र था, बहुत सामान्य सा उत्तर है, एकदम कोई भी बता सकता है, बहुत सही, द्वापर युग का, ठीक है। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देख श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथ, अर्थात शिखंडी महारथी था, यानी महारथी थे। उसमें हम प्रमाणित कर दिए कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, तो उन्हें सेनापति भी बनाया गया था। तो सेनापति देखो पुरुष है या महिलाएं, तो युद्ध में उस समय जाती नहीं थी, बहुत बात की बात है कि महिलाएं युद्ध में गई, पुरुष ही जाया करते थे, वो सेनापति बनते थे। लेकिन उस समय शिखंडी जो है वो किन्नर थे, किन्नर होने के बावजूद भी उसकी योग्यता उसकी प्रतिभा को देख करके कृष्ण जी ने उन्हें सेनापति बनाया था। और गीता में कहीं पर यह उल्लेख आता है कि शिखंडी च महारथ, शिखंडी वह है जो अत्यंत महारथी थे। उपर्युक्त कथाएं इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफी सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी, यानी मान्यता मिली हुई थी।
ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं। यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उस समय, मतलब चाहे वो द्वापर हो चाहे वो त्रेता हो, दोनों ही समय में इनके बारे में उल्लेख मिलता है, कहानियां मिलती हैं। भले ही हो सकता है कि कोई बहस करना चाहे तो कहें कि काल्पनिक बातें हैं, तो स्वाभाविक भी है। तो चाहे ये बात काल्पनिक हो चाहे ये बात ऐतिहासिक हो, जैसा भी हो, बहस करना चाहे तो आप बहस भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं समाज में जो मान्यता मिली थी उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, बल्कि उनके अस्तित्व को प्रमाणित किया जा चुका है कि वास्तव में उस काल में भी, यानी प्राचीन काल में भी, थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए सारी समुचित व्यवस्था की गई थी या मिलता है। इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। ये मध्यकाल है बच्चों, ठीक है, हमने अभी तक देख लिया रामायण और महाभारत में प्राचीन काल में, अब हम आ रहे हैं मध्यकाल की तरफ, ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ, अब हमें राजा महाराजा इत्यादि मिलेंगे, ठीक है, वो गया जहां हम धर्म और पुराण को लेकर भी चलते थे। अब इस दुनिया में हम कदम रख रहे हैं, पिछला चूंकि रामायण महाभारत का था इसलिए क्या हो गया, काल्पनिक भी हो सकता है ये कहा गया, इस पर हम बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते, लेकिन अब जो बातें आ रही है मध्यकाल में ये बिल्कुल ऐतिहासिक प्रामाणिक है, यानी इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है कि इस बिरादरी के लोग होते थे, ठीक है। तो इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों से काफी कुछ क्षति हुई, वही कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता का भी विकास हुआ। वे अपने साथ अपने देशों की संस्कृति सभ्यता लेकर यहाँ आए थे, इससे हमारी संस्कृति काफी समृद्ध हुई। आक्रमण एक शब्द आ गया है, आक्रमण का मतलब होता है हमला, हल्ला बोलना भी बोलते हैं, तो आक्रमण मतलब यहाँ पर हल्ला से है, और क्षति मतलब नुकसान। जब हम इस दुनिया की बात करते हैं इतिहास की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत से लोगों ने आक्रमण किया, चाहे वो रूस के लोग हों, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे तुर्क हो, कोई भी हो, लगातार भारत में आए हैं ना और आक्रमण किए और भारत को तहस नहस करने का प्रयास सबने किया था। पर हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि चूंकि भारत में तरह तरह के लोगों ने आक्रमण किया था, जाहिर सी बात है कि जब तरह तरह के लोग आए हैं तो उनके अवशेष भारत में बचे होंगे, कोई ना कोई विशेषता बच जाएगी ना, जैसे मैं हूं तो मेरी कुछ विशेषता आप जानते हैं, तो आपके अंदर वो चीजें आ सकती हैं, आपके अंदर कोई विशेषता है तो मेरे अंदर आ सकती हैं, तो वैसे ही कुछ विशेषताएं जो हैं वो प्रभावित करती रही, मतलब हमारी जो संस्कृति है ना वो संस्कृति लोगों के आने जाने से प्रभावित होती रही है, ठीक है। तो हमारी संस्कृति इस तरह से धीरे 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 समृद्ध हो गई लोगों के आने के कारण। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों और रानियों के अंगरक्षकों के रूप में रनिवास में नियुक्त किया। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग व सेना विभाग में भी कार्य करवाया। एक महत्वपूर्ण शब्द है कौन सा, गुप्तचर, ठीक है। गुप्त मतलब अंदर अंदर, यानी जो पता नहीं चलता है, ठीक है, गुपचुप तरीके से, और चर मतलब होता है चलने वाला, तो गुप्तचर मतलब जो गुपचुप तरीके से चलता है, जिसके बारे में किसी को भान नहीं होता, जानकारी नहीं होता, वो है, जानकारी नहीं होती है, उसे हम कहते हैं गुप्तचर, ठीक है। तो उस समय ये जो आज हम जो CID ऐसे कहते हैं ना, CBI कहते हैं ना, वही चीज है कुल मिलाकर के, पर थोड़ा नाम बदल गया था। तो जब मुसलमान राजा हमारे भारत में आए तो इन मुगल सम्राटों ने क्या किया कि इन्हीं लोगों को, यानी किन्नरों को ही, क्योंकि आदर्शवादी पात्र थे पहले बता दिया गया है, त्रेता के समय में या द्वापर के समय में, चूंकि ये आदर्शवादी थे, मतलब इनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, इसलिए इन्हीं थर्ड जेंडर्स को, तृतीय लिंग को, और रानियों के और राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर देते, अंगरक्षक हो रहे, अंगरक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है ना आपको, बॉडीगार्ड कहते हैं। आपने पिक्चर वगैरह भी देखे होंगे ना, कौन था, सलमान खान वगैरह कोई थे ना, आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, तो वही है अंगरक्षक। तो अंगरक्षकों के रूप में ही उनको नियुक्त किया गया था। इस तरह से ये जानकारी मिलती है किससे, दस्तावेजों से,
मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज, दस्तावेज मतलब कागजात से यह जानकारी मिलती है। यहाँ तक यानी केवल रनिवास, रनिवास मतलब रानियों की रहने की जगह, अंदर महल का आंतरिक हिस्सा जहाँ सुरक्षित रखा करते थे उसको कहते हम रनिवास। तो रनिवास में इनको अंगरक्षक के रूप में तो रखते थे। कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने गुप्तचर विभाग, जो सबसे बड़ा अहम विभाग होता है, उसमें भी उन्होंने नियुक्त किया। जैसे आज के सीबीआई में होना एक बड़े फख्र की बात है ना, गौरव की बात है ना, सीआईडी और सीबीआई में। तो ठीक वैसे ही जो है कि उस जमाने में भी इन किन्नरों को गुप्तचर विभाग में भी नियुक्त किया करते थे। ठीक है, प्रश्न है आप देख लीजिएगा, प्रश्न आपको देखना है, कोई बात नहीं। मुगल सम्राटों ने जेंडर समुदाय को किस तरह से महत्व दिया, तो आप बता सकते हैं उन्होंने अंगरक्षकों के रूप में, वो भी महिलाओं की तरह, ठीक है, उनको नियुक्त किया था। इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं के ये विशारद हुआ करते थे। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी दहारों में पालन होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था। इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर रहने लगे। बच्चों यहाँ पर इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के लोग, यानी मुगल सम्राटों ने बहुत इज्जत के साथ उनको ऐसे ओहदे पर भी रखा, कहना चाहिए, जो उदाहरण के तौर पर आदर्श है कुल मिलाकर के। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हर आपने जो सम्राट है उनका स्वभाव वैसा ही हो। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे हर इंसान की विशेषता अलग होती ना, तो राजाओं में सम्राटों में भी विशेषताएं अलग अलग थी, स्वभाव अलग अलग था। तो कुछ ऐसे मुगल सम्राट हो गए जिनका व्यवहार उनके प्रति कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ये अच्छा नाच गान भी करते थे बता रहे हैं, गान में और नृत्य के विशारद हुआ करते थे। ठीक है, कला के पारखी भी थे और इसीलिए परंपरा का पालन आज भी करते हैं। कहां पर? दहारों में। दहारों का मतलब क्या होता है? किन्नरों के आश्रम, जहां पर वो रहते ना, जगह को कहते हैं दहार। ठीक है, लेकिन लगातार आक्रमण होने के कारण जो राजा बदलते गए, कहना चाहिए कुछ अलग ऐसे लोग आ गए जिनका स्वभाव उन किन्नरों के लिए बदलने लगा। वो उस नजरिए से नहीं देखे, अब उनके आदर्श को किनारे करके उन पर एक तरह से कुदृष्टि, कहो तो गलत नहीं होगा, बुरी नजर डालना उन्होंने शुरू कर दिया या उनको यात्राओं देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से फिर किन्नर जो है क्या करना शुरू कर दिए कि राजाओं के आश्रय को छोड़ करके अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अलग अलग रहने के बजाय, मतलब कोई किसी राजमहल में है, कोई किसी किले में है, कोई किसी मुगल सम्राट के पास है, कोई राजा के पास है, ऐसा हुआ करते थे ना, कोई अकबर के पास है, तो कोई जो औरंगजेब के पास में है, तो कोई जो है आपके कहना चाहिए महाराणा प्रताप के पास है, ऐसे रहते थे। लेकिन जब इन पर लोगों की कुदृष्टि पड़ी तो इन लोगों ने क्या किया कि अब एकजुटता बनाने की कोशिश की, मतलब एक साथ रहना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है विशारद। विशारद का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, जैसे हम पढ़ते ना, आप बारहवीं कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे? हायर सेकेंडरी। ठीक है, अगर आप आठवीं पास करेंगे तो क्या कहलाएंगे? पूर्व माध्यमिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली। ठीक है, तो दसवीं कर लिया तो क्या होगा? हाई स्कूल। तो ये डिग्री कह रहा है ना, वही है वो विशारद जो है, एक डिग्री है। ठीक है, इसी सुरक्षा और आश्रय की भावना से ही गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। दहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, दहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहां में किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत होते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपने आजीविका के लिए साल में एक दो बार बधाई मांगने निकला करते थे। जब इन लोग क्या किए, अब एक समूह में रहना शुरू किए, तो सिंपल सी बात है या जाहिर सी बात है कि जब समूह में रहना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई एक मुखिया की जरूरत पड़ेगी ना। सारे के सारे मुखिया होंगे तो कैसे चलेगा? जैसे हम घर में होते हैं तो कोई ना कोई एक सबसे बड़ा होता है जो मुखिया के रूप में, जिसका क्या चलता है, आदेश चलता है परिवार पे। ठीक है, वैसे ही जब इन लोग सब समूह में रहना शुरू कर दिए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक को गुरु के रूप में स्थापित किया, मतलब सबसे बड़े बुजुर्ग को उन्होंने गुरु माना और बाकी जो है उनके शिष्य के रूप में रहना शुरू किए। वो मुस्लिम धर्म का ही पालन करते थे, सबसे अच्छी बात ये है, और इस प्रकार से दहार में रह रहे थे वो पवित्रता अनुशासन का जीवन जो है वो बिताते रहे।
ऐसा भी हुआ कि अपने गुरुओं से नृत्य और गायन इत्यादि सीखते थे, पारंगत हुआ करते थे उसमें, और फिर चूंकि इनको नाचना और गाना अच्छे से आता था, इसलिए ये इस विद्या का प्रदर्शन बाहर निकल करके अपनी आजीविका के लिए भी करते थे। आजीविका, जीविका मतलब रोजी रोटी, और आजीविका मतलब जीविका भर के लिए, मतलब अपने निरंतर अपने जीवन को चलाने के लिए ये बधाई मांगने के निकलते थे और नाच गा करके पैसा इकट्ठा करके अपने जीवन का जीवन को गुजारते थे। क्योंकि जब त्योहार में आ गए हैं तो इनके पास काम तो था नहीं बच्चों, तो काम नहीं था तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो जीवन कैसे कटेगा। ठीक है, राजाओं के पास होते थे तो सारी चीजें मिलती थी, पर अब तो राजा नहीं है ना उनके, है ना, या लोग उनके पास में नहीं है, तो अपनी आजीविका के लिए इनको नाचने गाने की जरूरत वहां पर पड़ने लगी। लेकिन ये रोजाना निकल पड़ते थे ऐसा नहीं है, इन लोगों ने एक नियम बना लिया था, बार बार कह रहे हैं कि आदर्शवादी पात्र थे, यानी कि इनका एक अपना नियम था। ठीक है, प्रश्न क्या बनता है ये देखते हैं यहाँ पर कि दहार में किन्नर किस प्रकार जीवन यापन करते थे, कोई बता सकता है? हाँ बताइए, बहुत बढ़िया, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, बहुत शानदार, कि पवित्रता अनुशासन का जीवन व्यतीत करते थे, आदर्श का जीवन व्यतीत करते थे, और अपनी क्या करते थे, अस्मिता की रक्षा करते थे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज किन्नर जिस ओतपन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई है। भाषा व विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा ओतपन का प्रचलित होना यह बताती है कि वे समूहों में रहना सीख रहे थे। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी। कोचपन का क्या होता है कि जैसे हम सहज बात करते हैं ना, तो वो सहज बातें उनके अंदर नहीं थी, उनके बोलचाल में कोई एक विशेष ढंग हुआ करता था। ठीक है, यानी एक विशेषता थी, विभिन्नता थी कहना चाहिए, तो वो कोचपन उनके अंदर आ गई कि कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल करना और सहजता उसमें नहीं होती थी, ये बात उनके अंदर आ गई, इसलिए बागवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या हो गया, भाषा जो है वो विशिष्ट संस्कृति और विकास संगठन से जुड़ी हुई है। और अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भाषा के महत्व को ही बता रहे हैं बच्चों। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कई राजाओं को देखा, ठीक है, और कई राजाओं के साथ में ये रहे, तो जो जो लोग जिस बिरादरी से आते गए उनकी भाषाओं को लेकर के, इनकी भाषा को मिलाकर के खिचड़ी जैसी बनती गई, कुछ इस शब्द से ले लिए, कुछ वहां से शब्द को ले लिए, कुछ वहां से शब्द को ले लिए, तो मिला जुला स्वरूप भी उनके अंदर में आ गया था, तो ऐसा होना स्वाभाविक था। ठीक है, लेकिन ये रहना का क्या कर रहे थे, समूह में ही रहते थे, और ये बधाई मांगने में एकत्रित रहने की परंपरा जो है इसी काल से उत्पन्न हुई थी। अंत में बता दिया गया कि ये निकलते तो थे मांगने के लिए, उसके पहले तक ये प्रचलन नहीं थी, लेकिन मध्य काल में जब ये राजाओं के आश्रय को त्याग दिए और जब इन लोग समूह में एक साथ गुरु शिष्य परंपरा के साथ रहना जब शुरू किए, तो जीवन यापन करने के लिए इन्हें बधाई मांगने के लिए निकलना अनिवार्य सा हो गया। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स के वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। आपने अजमेर शरीफ का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, वही अजमेर शरीफ। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, यानी ये सही हो बिल्कुल ये कहा नहीं जा सकता, और सुनी हुई बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करना भी थोड़ा क्या हो जाता है, एकदम सही नहीं है कुल मिलाकर के, लेकिन कहते हैं तो वो मानना भी पड़ जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर कि उस मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। उस संत की सेवा करती थी कोई थर्ड जेंडर, कोई किन्नर। उस सेवा से या उस भक्ति से प्रसन्न हो गए ख्वाजा साहब, और ख्वाजा जी ने कहा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, यानी उन्होंने वरदान दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वरदान यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि वरदान पूरा हुआ या नहीं, लेकिन उस घटना की याद में आज भी लोग, यानी बड़ी विशाल संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए किन्नर जाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जैसे पुत्र रत्न का वरदान दिया, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्वतः जन्म प्रक्रिया हो तभी वो पुत्र की प्राप्ति होगी। हो सकता है कोई ऐसे बच्चे जो कहीं निरीह अनाथ पड़े हुए हैं, वह भी अगर मेरे आंचल में आता है तो वह भी मेरे बच्चे के समान ही है कहना चाहिए। तो इस प्रकार से भी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं से उनको ये
यानी उस किन्नर के अंदर में यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति से एक तरह से ममत्व का बोध जो है, मेरे ख्याल से लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि उनके अंदर एक ममत्व का बोध भी पाया गया जो पुरुष और स्त्री दोनों के मिले जुले स्वरूप में है, जिनका लगभग स्वभाव जो है पुरुषों की तरह तो है, भले वो पहनावड़ा औरतों की तरह है, लेकिन उनके अंदर में स्त्रीत्व के गुण भी परिलक्षित हो रहे थे और तभी उस किन्नर को संत जी ने ये वरदान दिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि हमने प्राचीन काल में किस तरह से इनकी कहानियों के बारे में जान पाए? कोई उसको कर सकता है समराइज? नहीं, नहीं बनेगा, मैं ही बताती हूँ। तो बच्चे प्राचीन काल में हमने देखा कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के समय, फिर द्वापर में द्रुपद जी के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुए थे, ठीक, यानी तृतीय लिंग उस समय भी रहा है और उस समय लोगों के मन में इनके लिए बहुत ही सद्भावना थी, ठीक। फिर हम देखते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ जितने मुगल राजा थे उन लोगों ने तृतीय लिंग के लोगों को अपने अपने राजमहल, और राजमहल ही नहीं अपने रनिवास यानी जहाँ रानियाँ रहा करती थी वहाँ पर उनको अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि ये बड़े ही आदर्शवादी पात्र थे, मतलब आचरण इनका अच्छा था। फिर ये गुप्तचर में भी रखे गए थे। तो दो तरह से हम मुगल काल में इनको देखते हैं, लेकिन हुआ क्या था कि और एक से एक राजा आते गए, आने के बाद उनके प्रति उनकी मानसिकता बदलती गई, इनको भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझना पड़ा और फिर सभी अब एकजुट होकर के रखने लगे, जिसको हमने कहा दहिहार का पालन करना। तो दहिहार में इकट्ठा हुए और फिर वहाँ पर एक गुरु शिष्य परंपरा जो है वो कायम हो गई, ठीक है। और फिर जीवन यापन करने के लिए इन्हें फिर मांगना पड़ा, यानी नाच गा करके इन लोगों ने अपना जीवन जो है वो गुजारा, क्योंकि त्रेता युग में ही रामचंद्र जी ने कह दिया था ना कि आप लोगों की दुआएं लोगों को लगेगी, तो वही दुआ जो है उनको काम आई कब? मध्यकाल में, ठीक। तो हम इतना ही देखते हैं, अब आधुनिक काल को हम देखेंगे दूसरे कालखंड में, ठीक है। बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दे दिया है, आप गृह कार्य को थोड़ा देखिएगा और उसको करिएगा, फिर हम विस्तृत बातें, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आता तो हम द्वितीय कालखंड यानी जो हम भाग दो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है।